बांग्लादेश के खिलाफ सेकंड T20 जीत में चमके रिंकू सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी। बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का पहले फैसला किया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के रूप में टीम इंडिया को दो जल्दी झटके लगे। फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव भी महज 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर पारी को आगे बढ़ाया रिंकू सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार साझेदारी की। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना करियर का पहला 50 पूरा करते हुए 34 गेंदों में 74 रन की धमाकेदार इनिंग खेली। 29 बॉलों में 53 रनों की शानदार इनिंग रिंकू सिंह ने भी खेली और 29 रनों का योगदान दिया हार्दिक पांड्या ने। इस तरह से टीम इंडिया का स्कोर 221 तक पहुंच गया। बांग्लादेश की ओर से राशिद हुसैन ने 3 विकेट, तजीन साकिब ने 2, तस्कीन अहमद ने 2, मुश्तिफुजर ने 2 विकेट निकाले। बांग्लादेश लक्ष्य का पीछा करने उतरी महज 135 रनों पर ढेर हो गई। बांग्लादेश की ओर से सबसे ज़्यादा महमूदुल्ला ने 41 रनों का योगदान दिया। वरुण चक्रवर्ती, नीतीश कुमार रेड्डी ने 2-2 विकेट लिए। रियान पराग, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव को भी एक एक सफलता प्राप्त हुई। इंडिया इस सीरीज में 2-0 से आगे हो गई है।